लाइफ इज टू शॉर्ट. डोंट वरी संजय, आई विल सी, प्लीज टेक केयर. थिंक पॉजिटिव ऑल. संजय राजी, आपका चैनल टुडे में वेलकम है. और आज आप जो है फरीदाबाद में फिल्म टेक इट इजी के लिए आए हुए हैं. जस्ट टेक इट इजी. तो ये जस्ट टेक इट इजी टाइटल जो रखा गया है फिल्म का जी, और जब आपने इसका स्क्रिप्ट देखा जी, तो आपको कैसा महसूस हुआ? सबसे पहली बात तो मुझे क्षण भर भी नहीं लगा ये डिसाइड करने में कि हाँ मैं ये शॉर्ट फिल्म में काम करूँगा, बिकॉज इसका जो आइडिया है सर, इतना बढ़िया आइडिया है. और जो आइडिया है वो एक मैसेज है हम सबके लिए. इस ब्रह्मांड में जितने लोग रहते हैं हम सबके लिए मैसेज है. ये निहायत ही यूनिवर्सल फिल्म है. ये लैंग्वेज से भी ऊपर उठी है, क्योंकि इसका जो आइडिया है वो निहायत ही बहुमूल्य आइडिया. आइडिया क्या है कि हम सबकी ज़िंदगी, चाहे हम सेठ हों, साहूकार हों, ट्रेडर हों, रिक्शा वाले हों, चाय वाले हों, कुली हों, कोई भी हो, ज़िंदगी के किसी भी स्तर से हों, लेकिन हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मिसिंग है. हम चाहे कितने भी रईस हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम रईस हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो निहायत ही फूलों की तरह खिल रही है, ऐसा नहीं है. तो ये फिल्म जो है इसका मेन और मूल मैसेज यही है कि जो चीज़ मिसिंग है हम सबके जीवन से, वो है एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रखना और हमेशा अच्छा काम करना. इस गूढ़ विश्वास के साथ कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, फ़र्ज़ करिए मैं आपके लिए कुछ अच्छा काम करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ही की जानिब से, आप ही की तरफ से आप कुछ अच्छा काम करेंगे मेरे लिए, बल्कि ये है कि इस, अगर हम चेन को बरकरार रखें, मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, आपने दूसरे के लिए अच्छा किया, दूसरे ने तीसरे के लिए अच्छा किया, और इस तरह से ये क्रम चलते रहा, तो जिसने पहला अच्छा कर्म किया था उसको लौट के वो अच्छा कर्म ज़रूर आएगा. राजी, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया है कि कुछ हमारी लाइफ में मिसिंग है जी. उस मिसिंग के खोज के लिए इंसान निकल रहा है इस कहानी के अंदर, आपकी फिल्म के अंदर जी, जो कि आप मेन लीड करेक्टर कर रहे हैं जी. तो उस मिसिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को ये करना चाहिए, सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करना चाहिए, ये हर आदमी रियलाइज़ करता है, जब हम रात को अपने बिस्तरे पर लेटते हैं तो हमारा जीवन चाहे कितना भी व्यस्त हो, दिन में हम चाहे कितने भी लोगों को मिले हों और हमें लगा हो कि हाँ हमारी फुर्ती और स्फूर्ति देख कर कि मैंने आज जीवन में बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन जब हम रात को उस बिस्तरे पे अकेले होते हैं तो हम देखते हैं कि यार दिन तो बीत गया, रात भी आ गई और कल भी दिन होगा, लेकिन कुछ खोया है. तो वही खोई हुई चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इंसान और इंसान के प्रति जो एक जोड़ था, जो एक सीमेंट थी, जो एक रिश्ता था, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं. और उसका डेफिनेटली श्रेय टेक्नोलॉजी को तो जाता है, लेकिन हर इंसान में बुद्धि होती है, तो जब हम बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते हैं तो थोड़ी गलती हमारी भी है. इसमें उत्तरदायित्व में शेयर हम भी करते हैं कि हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि हमसे क्या क्या हो रहा है. असल में एक संत है, उनकी मैंने किताब पढ़ी तो पूरी नहीं, लेकिन उनका विचार ये है कि असल में जीवन में हम सोचते हैं हम जगे, असल में हम सो रहे हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ से सीखते नहीं हैं, हम आसपास देख के कुछ सीखते नहीं हैं, किसी और देश में कुछ घटा, आपके परिवार के साथ कुछ घटा, मैं कुछ सीखता नहीं हूँ, मैं केवल उसके बारे में टिप्पणी देता हूँ, बात करता हूँ और रात को पानी की तरह घोल के पी जाता हूँ, उससे अपने जीवन में उसको मैं अमल करूँ जो मैंने आपसे सीखा, ये असल में होता ही नहीं है, ये सिर्फ किताबी बातें हैं जो हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि हम बहुत सीखते हैं. आई थिंक हम कुछ सीखते वीखते हैं नहीं, और इसीलिए हम भूल गए हैं कि ये जो इतनी सिंपल चीज़ है मोहब्बत, इंसान के प्रति, जानवर के प्रति, पेड़ के प्रति, वसुधा के प्रति, जो हमारे मंत्रों में है, हम मंत्रोच्चारण करते हैं लेकिन हमारा विश्वास निकल गया, हमारा विश्वास टूट गया है. इसलिए मुझे बड़ी हंसी आती है जब दुनिया जो है, जो ये मॉडर्न दुनिया है, ये हिंदुस्तान को बोलती है क्लाइमेट चेंज के बारे में, भैया हमसे मत बात करो,
हमारे यहाँ तो भगवान का दिया दर्जा दिया जाता है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पेड़ हो, वनस्पति हो, फूल हो, भगवान तो है ही हमारे। लेकिन हमने इन सब को दर्जा दिया है बिकॉज हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जो विचार करने वाले लोग थे पहले, जो साधु संत थे, जो विचार करते थे, उन्होंने पहले ही ये उनको समझ में आ गई कि इंसान जो है ये सबका हिस्सा है, प्रकृति हमारा हिस्सा है, अलग नहीं है हमसे वो। और इसीलिए हमने देखा कि प्रकृति जो है उसी के कारण तो हमारा जीवन जो है वो चल रहा है, तो हमने उसे पूजा। लेकिन फिर ये जो इंडस्ट्रियल एज आया, फिर उसके अंदर मशीन की ज़्यादा पूजा होने लगी, तो हम भूल गए। अब हमें पिछवाड़े में हमारी लात पड़ी है, अब हम देख रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं, तो अब हम लोग सब तैनात हो गए। और क्लाइमेट चेंज, अंग्रेज़ी का बड़ा अच्छा सा शब्द दे दिया है, लेकिन हमें क्या सिखा रहे हैं आप? ये तो मैंने मोदी जी को भी सुना था बात करते हुए कि हमें मत सिखाओ भाई, हमारी तो सभ्यता, हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं। लेकिन हाँ, हम खुद भी इसे भूल चुके हैं। राजी, ये जो शॉर्ट फिल्म है, आई थिंक ये आपकी पहली शॉर्ट फिल्म है, इससे पहले भी आप कोई शॉर्ट फिल्म कट शायद नहीं होगी? पहली तो अब कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो ना हुई हो, ये शायद दूसरी तीसरी होगी। लेकिन हाँ, मैंने ये आपका कहना एकदम सच है और एकदम सही है कि मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स की नहीं है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। कई सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आप चाहें कि मैं आपके लिए कुछ काम करूं, तो एक तो ये कि भाई इच्छा, प्रबल इच्छा कि हाँ मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें फिर और भी कई चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट होती है, आप कैसे शूट करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सवाल आपका सही है, लेकिन अब हमारी कोशिश ये है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म में क्या है, छोटी सी बात बड़ी सी बात छोटे वक्फे में कह दी, बहुत शॉर्ट पीरियड वो वाली बात है। और वो आज के समय में जब हमारे पास किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो इसीलिए अच्छी बात छोटे में संक्षिप्त में कहा जाए, तभी लोगों के पास समय है, इतना समय है कि वो 15 मिनट की फिल्म देख के उससे कुछ सीख ले सकते हैं और अपने जीवन में उसे अमल कर सकते हैं।